हेलो हाय फ्रेंड। हेडिंग देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बंजारा इयररिंग बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रिंग लिया है, ये मिरर रिंग है, और इसके अलावा प्लास्टिक के मिरर लिए हैं, एक इयररिंग हुक लिया है और ये गम लिया है। ये चारों की सहायता से हम लोग बंजारा इयररिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले रिंग को उल्टा कर ले। उल्टा करने के बाद इस तरह सजाए, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर लास्ट में एक। इस तरह सजाने के बाद इसे गम से सटा दें। जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं रिंग, उस स्थान पर गम लगाकर इसे सटा दें। सटा देने के बाद जब वह सूख जाए तो उसमें प्लास्टिक मिरर को, ये हमारा प्लास्टिक मिरर है, प्लास्टिक मिरर को गम की सहायता से उसके ऊपर रखकर इस तरह चिपका देंगे। जितना भी यहाँ रिंग है सब में हम लोग इस तरह चिपका लेंगे। और जब यह सूख जाएगा तो आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा यह बंजारा इयररिंग 90% बन चुका है। अब देखिए, और यह कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, एक हुक लेना है और हुक को यहाँ पर फंसा लेना है। यहाँ पर इसे घुसाकर फंसा ले और बंद कर दे। और उसके बाद कुछ लॉरियल ले लें। लॉरियल लेकर लॉरियल को यहाँ पर सुई सूते की सहायता से सिलाई कर लें। तो सिलाई करने के बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा प्यारा सा बंजारा इयररिंग बनकर तैयार हो गया है। ऊपर में मैंने हुक लगा दिया है और नीचे में यहाँ पर लॉरियल लगा दिया है। जनरली बंजारा इयररिंग में क्या होता है, मिरर होता है और लॉरियल लगे रहते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों चीजों को मैंने यहाँ लगाकर बंजारा इयररिंग बना दिया है। वैसे मैंने यहाँ मिरर फ्रेम का जो यूज किया है वह गोल्डन कलर का है। आप चाहे तो कलरफुल भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलर मिरर रिंग नहीं होने की वजह से मैं सिर्फ गोल्डन कलर से ही इसे मैंने बना लिया है। तो देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है। लाइट वेट है और यह कितना सुंदर लग रहा है। जब आप इसे पहनेंगे तो आपकी सुंदरता इसके चलते बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।